छोटू छोटू बोलता हूँ तो पता नहीं क्यों यार, अब छोटी बहन जैसी हो तो छोटू ही बोलूंगा ना यार। अभी है ना जो नीचे जितने भी हमें मतलब चाची आंटी दीदी बच्चे जो भी मिले थे ना, उनके और चार पांच फैमिली मेंबर और भी मिले थे इस पार्ट पे। अभी जस्ट वो यहाँ से उतर रहे थे, मैंने उन सबसे भी हाय हेलो किया, उन्हें भी अच्छा लगा। पहाड़ी ऐसी है कि एक पैर भी फिसल जाए ना, ये मेरा खुद पैर फिसल रहा है यार। इस पे जंप ले इधर, यदि एक पैर भी फिसल जाता है। मोरू तुम भी अपना ध्यान रखना यार। मोरू वो सही है क्या? ठीक है, वहीं से आ जा तू। तो मैंने उससे पूछा चाची से इनसे सबसे बाकी, तो वो भी बता रहे थे बहुत मेहनत है बेटा। जब वो छोटी बच्चे जो थे ना, तीन बच्चियाँ और थी अभी छोटी छोटी, मैंने उनसे पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ाई वढ़ाई करते हो ना, तो वो बोलते हैं कि सातवीं क्लास में हूँ, कोई बोलती है कि छठवीं में हूँ, कोई बोलती है पाँचवीं में हूँ। और ऊपर लकड़ियों का बंडल, इतना इतना बंडल था, बड़ा अजीब सा लगा देख के यार। मैंने उनसे इतने बोला यार पढ़ाई में छोड़ना यार, लाइफ बदलनी है। तो उन्होंने बोला हाँ भैया, मेरा कुछ पैर स्लिप हो रहा है, हाथ भी स्लिप हो रहा है, पता नहीं कैसे उतर जाते हैं वो, कैसे चढ़ जाते हैं वो, कैसे इतने लकड़ियों का वजन उठा लेते हैं। हम ऊपर आ चुके हैं तीनों और मोरी में, हम देखते हैं ये एरिया पूरा, कोई भी अच्छा मोमेंट मिलता है तो उसे कैप्चर करता हूँ मैं बहुत जल्दी। फील आ गया मेरे को तो। अरे हाँ, पगड़ी में एंजॉय, लुंगी तो पहना है, सैंडोवियन व्हाइट कलर की, गमछा बांधता ही बहन जी। अपन जाते मंडला में किसी एडवेंचर में। अरे भैया वो गड़ा किला कहाँ पे? अरे भैया उधर से ओम, तेरा चेहरा इमेजिन हो रहा है, सच बता रहा हूँ मैं। अरे ऊपर से बकरिया चराता हूँ, कितना अजीब सा लगता है। तो देहात में तो यही काम रहता है, क्या रहेगा तेरा? अरे तू वहाँ का वो बनता, जमींदार बन जाता। अच्छा ये ओम के साथ है ना, कुछ मजाक वजाक कर रहे थे। अभी है ना जैसे पूरा पहाड़ चढ़ चुके हैं हम, ये मतलब ऊपर वाला पहाड़, मतलब वो सीढ़ियाँ तो 900 सीढ़ियाँ एंड हुई, वहाँ से जो पहाड़ चढ़ना था पूरा चढ़ लिया है। यहाँ से वो किला भी दिख रहा है, रायगढ़ का किला, जिसमें हमें अंदर नहीं जाने दिया गया था। वो रहा वहाँ पे है ये है ना, ये रहा, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 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 ये रहा, ये रहा, ये रहा, दिख भी नहीं पा रहा है यहाँ से। हम बहुत दूरी पे, कम से कम उस किले से हम 6-7 किलोमीटर दूरी पे होंगे ना, आराम से 6-7। अभी यहाँ पे पूरा जो ऊपर सरफेस है ना पहाड़ के ऊपर वाला एरिया, वो पूरा सरफेस हमने तीनों ने छान मार लिया है। सरफेस अच्छा है, मतलब नीचे से पूरा डैमेज है, पहाड़ पूरा डैमेज है और ऊपर ऐसा सरफेस बना हुआ है, पूरा सरफेस सरफेट फैट फ्रेश, पूरा सरफेस है पूरा। हमने पूरा 99% देख लिया है, और 99% देखने के बाद ये डिसीजन है कि मतलब पूरा सरफेस ये कुछ भी नहीं है ऊपर, तो भी अभी 1% और मतलब थोड़ा सा राउंड अप बच रहा है यहाँ लास्ट साइड में, तो मार लेंगे। और हाँ, पर यहाँ से ना नज़ारा पॉइंट अच्छा, एक पहाड़ तो वो दिख रहा है, एक पहाड़ वो, एक पहाड़ वो, एक पहाड़ ये, किला दिख रहा है पूरा, और गांव दिख रहा है पूरा। और पता नहीं कितनी ऊंचाई पे है यार, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, 1000-1500 फीट ऊंचाई पे बैठे हैं हम तीनों भी। नजारा पॉइंट जैसा है, उससे भी ज्यादा है ये, वैसे गाड़ का नजारा पॉइंट ओनली 350-450 फीट वाला था वो, ये कम से कम है ना 1000-1500 फीट है, ये 1500 फीट ऊपर बैठे हैं हम अभी। और पता है यहाँ पे ना हवा बड़ी अच्छी चल रही है, थोड़ा सा आराम ही कर रहे हैं हम, क्या हम 6 दिन से नॉन स्टॉप घूम रहे हैं, ना एक दिन हमने छुट्टी मारी, ना हमने ब्रेक मारा। हम रात में 9-10 बजे पहुंचते हैं रूम पे, नहीं 11 बजे पहुंचते हैं, खाना आने के बाद तो 11 बजे पहुंच पाते हैं, 11 बजे पहुंचते हैं और बाद में सो जाते हैं, और सुबह 5-6 बजे वापस उठ जाते हैं, वापस तैयार होते हैं, वापस निकल जाते हैं 8 बजे, और एडवेंचर स्पॉट जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज है ना थोड़े से, तो पैसे लिमिटेड होते हैं, तो उसी पैसे में हमें मैनेज करना होता है। तो वन डे में जहाँ 2 एडवेंचर स्पॉट निपटाने चाहिए सही हिसाब से, तो वहाँ हम 5 निपटाते हैं। बहुत मेहनत है दादा, बहुत मेहनत है, इतने पहाड़ चढ़ लिए यार, बहुत ज्यादा चढ़ लिए ना, कलिंजर वाला बहुत डेंजरस था वो, तो बहुत डेंजरस था। और
ये भी डेंजरस था, अजयगढ़ वाला भी। अजयगढ़ ये भी कम डेंजरस थोड़ी ना, ये तो खुद ही डेंजरस है। ये डेंजरस कम है, 900 सीढ़ियां है वो। पैर है ना पना, पता नहीं क्यों मेरे पैरों में दर्द होता नहीं है, पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे पैरों में अजीब सा दर्द हो रहा है। ये जो मास है ना यहाँ का, चिमटी मार रहा है मुझे, चिमटी बहुत तेज। यहाँ हवा से चल रही है, क्या मजा आ रहा है। हवा पता है, ये ठंड वाला मौसम है, इतनी ठंड लग रही है, सही बता रहा हूँ, इतनी ठंड लग रही है, पर अभी गर्मी लग रही होगी। अब पूरा पहाड़ चढ़ा है ना, तो पूरा पसीना पसीना हो गया, पूरा पसीना हो गया पूरा। मुझे तो अभी छोटा, मेरी इच्छा कर रही है, आँख देखो मेरी, आँखें लाल नहीं हुई आज तेरी, आँखें लाल नहीं है पर गरम गरम है, आँखें लाल भपका छोड़ रही है। ओम को देख, ओम तो इतना फ्रेश फील हो रहा है जैसे अभी नहा के आया है। ओम का तो घर है ना, वो बोलता रहा अरे बाप रे, क्या बड़ी बड़ी लाइनें बोली है ओम जी ने, ओ माई गॉड। आप ही से सीखा है। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, काला पत्थर काला पहाड़। तो मैंने कभी हार मानी थी वहां पे? नहीं ना, तो सबसे आगे रहता हूँ। मुझे उम्मीद था क्या बोल रहे हैं, उतर जाएंगे यहाँ से, क्या बड़ी बात, जंप नहीं मारूंगा, उतर जाऊंगा यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं। 10 रुपए देगा तो उतर जाऊंगा। पहले ही से 10 रुपए हैं आपके पास, मेरे पूरे पूरे 30 रुपए हैं, 30 रुपीस, 40 है, 35 है, 15 दिया था कल रात में ऊपर से तो, और 20 रुपए चाय में दे दिया था तू वहाँ पर, 35 है। कैमरा थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, कैमरे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कैमरा अपने आप सफ़ेद हो जा रहा है, अपने आप काला हो जा रहा है, अपने आप नाला। चलो यार फिलहाल यहाँ थोड़ी सी देर शांति से बिताते हैं, हवा हवा लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं वापस नीचे। और बाद में हाँ एक और बात, मैंने ना आप सभी से बोला था कि मैं सीढ़ियाँ गिन के बताऊंगा कि कितनी सीढ़ियाँ है, पर सही बताऊँ तो सीढ़ियों के नंबर ही भूल गया चढ़ने के चक्कर में। तो अभी उतरते टाइम मैं गिनूंगा, स्पीड से उतरूंगा, गिनूंगा भी सही और बताऊंगा कितनी सीढ़ियाँ है सुखेश्वर मंदिर में, जो राजगढ़ किले के पास में है सुखेश्वर मंदिर, इसमें कितनी सीढ़ियाँ है, ये मेरे लिए एडवेंचर है आज। अच्छा कौन गिनेगा, मैं गिनूँ, मोर तो गिन रहा है, ओम गिनेगा, बताओ। तू तो अलग है, दिमाग सब गिनती। वो भी ठीक है, सब गिन लेते हैं, कौन सा किस चीज का अलग अलग आता है, किसका सेम आता है किसका अलग आता है। हाँ तो सब अपने हिसाब से गिनते हैं, सब गिनते हैं ठीक है। और फिलहाल यहाँ 2-5 मिनट और बैठने का हमारे, ये बहुत अच्छी हवा चल रही है, गर्मी हो रही है, थोड़ा मजा आ जाएगा। नीचे जाते हैं, इसने नहीं दिखाया मालूम, याद देख रहा हूँ इसकी वाली नई वाली पैंट लोअर टाइप की। भाई यार तू ये लेने वाला था तो बोल भी रहा था कि मैं लूंगा, तू बताता ही नहीं है कुछ यार, तुझे भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सब तरफ चीजें छुपाए लगूंगा तो उसमें। मतलब सुबह देख लोअर पहन रहा हूँ, देखना ये पैंट कितने, अभी ऐसी पैंट पहनने का मेरा भी मन था, कितने मिली? 400। अभी पैसे अच्छे छोड़ देता है, मेरे से पैसे नहीं छूटते, पैसे हो तब छूटे, पैसे होते ही नहीं तो छोड़ू ऐसे। अबे यार ये तो अच्छी है यार, कहाँ से ली? वे क्या बोलते हैं वो, कौन सा मार्केट है जो पुराना है, नरगैया, 400 मिली, कितना बताया था? कब गया था भाई तू, कितना बताया था? मैं टूर से पहले ही गया सर, मालूम कपड़े लेने, टूर से पहले एक दिन पहले ही, नहीं था कि बजट आपको बताया था मैंने, बहुत ज्यादा बताता है तो हमेशा समझ गया मैं, ओनली इतना सा बताया कि पापा ने पैसे दिए यार, हो गया, उसके बाद कुछ बताता ही नहीं, नए कपड़े लिए कुछ, टूर में तो देखे ही जाते। क्या कर रहा सर जी, क्या कर रहा है, क्या हरकत कर रहा है, देख रहा हूँ किस तरीके से बना है, चैन भी है आप, अच्छा अच्छा लोअर मुझे पसंद आया, मतलब पैंट जो भी है पसंद आई मुझे, अच्छा लगा, तो ये मतलब अच्छा है, पहनने को मिलेगा, देना पड़ेगा क्या, बाद में बताऊंगा, पैसा चाहिए क्या? शर्ट ले लिए सर, शर्ट भी कब्जा कर लिया, पैंट भी ले लिया, पैंट भी कब्जा कर लोगे। चलो ठीक है, नहीं चाहिए। चलो 2-5 मिनट बैठ जाते हैं हम यहाँ पे और बाद में यहाँ से निकलेंगे, दौड़ते हुए नीचे जाएंगे, सबसे डेंजरस पार्ट है उतरने का वो, जहाँ से उतरना एक पैर भी स्लिप हुआ सीधा नीचे जाओगे, इसीलिए तो उन बेचारे में गरीब जो भी गांव वाले वो थे, वो जो भी थे बेचारे मासूम यार, उनसे पूछ रहा था कि कोई तकलीफ तो नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप, कुछ भी हो सकता है हमसे तो हम करेंगे, पर जेब में भी 100 रुपये थे मेरे पास यार, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, ऑनलाइन पे करते हैं पता ही नहीं चलता है यार, वरना 500-2000 रुपये होते तो मैं दे देता, और कुछ था ही नहीं जेब में, और लकड़ियाँ बोला मैं उठा के थोड़ा बहुत पीछे पहुँचाऊँ तो उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया उस बात पर, उन्होंने ओनली इतना बोला कि बेटा बहुत मेहनत है यार, वो कोई मदद नहीं करता इस दुनिया में,
भरोसा उठ ही जाता है यार दुनिया से जब उन चाची ने बीच में एक लाइन भी बोली थी पता है, बोले कि देखो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं यार, ये दर्द होता है यार आंखों में पता है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, लकड़ियाँ उठा रहे हैं यार, इतनी बड़ी पहाड़ पे आना यार, हजारों फीट ऊपर पहाड़ पे लकड़ियाँ उठ लेने आना यार, कोई अच्छा मोमेंट आता है तो शेयर करूंगा यार, नीचे जाऊंगा खजुरा गाड़ी उठाएंगे खजुराव जाएंगे, कोई अच्छा मोमेंट आता है तो शेयर करते हैं ठीक है, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं यार। तो आप दोनों ऐसे बकरियां चराने इतने ऊपर आते हो, आपको कैसा फील होता मेरे है? मालिक से पूछिए। अच्छा आप नौकर हैं? मालिक साहब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप नेताओं से क्या उम्मीद रखते हैं कि आपकी बकरियों को कुछ उन नेताओं को फंड देना चाहिए हर महीने? जी नेताओं से तो उम्मीद नहीं है हमें, जंगल से उम्मीद है, जंगल खाना चारा सब दे देता है, तो हम जंगल से प्यार करते हैं, नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है हमें। आप क्या देंगे, बस वो वोट ले सकते हैं, कुछ दे नहीं सकते। ऐसा क्यों सोचते हैं आप भाइयों और बहनों? अरे नीचे से आवाज आ रही है नेताओं की, वो बोल रहे हैं मांगिए जो मांगना है, काफी ला रहा है वो बोल रहे हैं जो मांगना है मांगिए, आप क्यों नहीं मांग रहे? आप क्यों बकरियों को चारा खिला रहे हैं, उन्हें बादाम काजू खिलाइए, फंड मिलेंगे, सांसद अपनी सैलरी दे देंगे, एमएलए अपनी सैलरी दे देंगे, दे दी उन्हें बहुत कुछ दे दिया कच्ची सड़कें, बस दे दे सके वो कच्ची सड़कें, अंधेरे घर, टूटी छतें, और कुछ नहीं दे सकते, महंगा पेट्रोल की बात ही कहाँ, हमारे पास साधन ही नहीं है। अरे सर पर हमारे पास तो है, हम तो न्यूज एंकर है सर, हमारे पास तो है ना। हाँ तो आप बोलिए, आपको महंगा पेट्रोल दिया है, हमें तो मिट्टी का तेल महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा कर दिया। इसका मतलब तो ये कि मुझे भी फंडिंग मिलनी चाहिए। अरे मुझे भी फंडिंग चाहिए रे, चाहिए 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 रे, चाहिए 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 चाहिए। भाई और बहनों इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, ये क्यों चुपचाप चल रहा है? भाई और बहनों मैंने इस बच्चे को रास्ते में पड़ा देखा, मैंने उठाया इसे, मैंने इसे बीटेक इंजीनियर बनाया, फाइनल ईयर इंजीनियर, मतलब इंजीनियर बना दिया, मतलब ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, बस पहाड़ों को चढ़ पाया, तो मैंने इसे पकोड़ा दिया, बेटे बेच इसे, इसने बेच दिया। भाई और बहनों आपको जान के हैरानी होगी, इसने 10 रुपए में पकोड़ा बेचा, 10 रुपए। और ये लोग मुझे बोलते हैं ये रास्ता ना, ये सफेद कपड़ा, ए ए ए लाल कपड़ा, ए ए ए सफेद दांत, ए ए ए खाली आंखें वाले, ए ए ए छोटे मोटे, काले जीन्स, ए ए नीला टोपा वाला, मैं जा रहा हूं वापस अपने घर, ए नीला टोपा, ए काला जैकेट, कहाँ जा रहा है भाई? कहाँ जाऊंगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, वो नीचे जा रहा, जाने दो। चलो सुनो सुनो सुनो, मजाक खत्म, स्टॉप, नीचे चलते हैं, टाइम कम है, खजुराहो भी जाना है, लड़के हैं भाई, हमें अपने घर जाना पड़ता है। अरे अरे बस रे बस है, सब वो गड्ढा सा बनाओ, गड्ढे से बाहर निकलो। यार है ना, सोच रहा था कि मतलब है ना, मैं यही से निकल रहा था, सोचा कि ये जो जंकाड़े रास्ते में आ रहे हैं ना, क्या वो हम तो जूते चप्पल पहन, जूते और सैंडल, महंगे महंगे जूते सैंडल हम पहन के उतर रहे ना, तो हमें इतनी दिक्कतें हो रही है, मोरियम कितनी दिक्कतें हो रही है, भयंकर फिसलते फिसलते बच रहे हैं हर मोड़ पे, तो अभी हम तो एडवेंचरर तो संभल जाते हैं। वो जो चाची दीदी बच्चे बच्ची वो मिले थे, वो तो यार लकड़ियाँ उठा के, तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से क्या रास्ता नज़र तक नहीं आ रहा, तो ये जो घास फूस चारा उगा हुआ है ना, मोरे तू भी आ जा, तू भी हेल्प कर दे थोड़ी सी यार, हट जाओ अब भी जाए मदद, आराम से आ रहा मोरे ना, हटा दे सारा कुछ, हटा दिया बेचारे, उन्हें हेल्प मिल जाएगी, रास्ता तक नज़र नहीं आता पूरा, ये भी एक पैर भी स्लिप होता है ना, एक पैर भी स्लिप होता है ना अपना, तो अपन हम है ना सीधे खाई में जाएंगे, जिंदा तक नहीं बचेंगे हम, 1000 फीट ऊंचाई पे खड़े हैं, 1000 फीट, ये वाला टूट नहीं रहा यार मुझसे, किस तरीके से तोड़ो इसे, तोड़ सकता है क्या? अच्छा तोड़ है, तोड़ ये बिना बात खराब की बात है।
पूरा साफ हो गया ना। अबे ना वो जब भी लकड़ियां काटने और रोजाना आते हैं लकड़ियां काटने या लकड़ियां बीनने जिस तरीके से भी जिसके लिए भी ऊपर आते हैं ना लकड़ियां बीनने या काटने जो भी है तो उन्हें अब यहाँ तकलीफ नहीं होगी। ये झाड़ियाँ उनके मुंह पे नहीं आएगी और उनका स्पेयर यहाँ से स्लिप नहीं होगा और वो नीचे ना गिर जाए। मोर तूने अच्छा काम किया यार। तो ठीक है सर, तो अपना बनता है। आपकी जो तकलीफ है ना उसे पूरी दुनिया सुनेगी, सब कुछ कैप्चर है। हम कोशिश कर नहीं सच बता रहा हूँ। अच्छा तुम्हें इतना मजाक क्यों सूझ रहा है यार? एक तो तुमने नाइन्थ में पढ़ाई छोड़ दी, तुमने मुझे बता भी दिया ऊपर से चढ़ना पड़ रहा है ना लकड़ियां उठा के। नाइन्थ पढ़ लेते या टेंथ ट्वेल्थ पढ़ लेते, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है प्राइवेट जॉब मिल जाती, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाता। क्या बोलते हो छोटू? छोटू छोटू बोलता हूँ तो पता नहीं क्यों यार, अब छोटी बहन जैसी हो तो छोटू ही बोलूंगा ना यार। हाँ छोटू प्यार से बुला रहा हूँ। अच्छा तुम्हें छोटू बोलने से कोई दिक्कत है? तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं है ना, बस सुनीता को दिक्कत है। नाम मुझे याद हो गया, पता है मेरी मम्मी का नाम अनीता है तो मुझे सुनीता नाम याद हो गया। आंटी जबलपुर से है। मोर अपन सोच रहे थे कि ये नीचे जा चुके हैं पर पता है आराम इन्हें भी करना पड़ता है। इन्होंने लकड़ियां पता है वहां से यार मुझे बोलने में बड़ा आसान लग रहा है बोलना, पर ये किस तरीके से लाते होंगे मैं बता नहीं सकता यार। इतनी लकड़ियां इतनी वहां से यहाँ लाना और यहाँ से वापस रस्सियां टाइट बांधना और यहाँ से नीचे ले जाना। आंटी देसी जुगाड़ी क्या ये रस्सी बांधने का? रस्सी है ये ना? ये अच्छा ये वो लकड़ियों की वो है वो पलाई टाइप जो होती है ना वो है। अच्छा सुनीता पता है आज इतनी हंसी उड़ाने वाली ना मेरी, इतनी हंसी उड़ाने वाली कि भैया कभी है ना यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पाएंगे। मतलब पैसे नहीं लगते बस यहाँ मेहनत से काम हो जाता है ऐसा कुछ, पर तो भी ये मेहनत आसान तो रही ना है? मैं आसान नहीं मानता, रात दिन पैरों में हाथों में दर्द होता होगा तो मेहनत लगती रात। आंटी पता है हमारे लिए पहाड़ चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं दीदी, पता है पर है ना ये लकड़ियों के साथ चढ़ना उतरना ये नहीं हो पाएगा। सामान पीछे बांध लेंगे जितना बांधना है कमर के पीछे, पर हम रोज या 8 दिन का काम है? 8 दिन के बाद रोज ऊपर नीचे? अरे यार अच्छा लकड़ियां बेचते भी हैं आप? क्या हुआ? कोई नहीं देता खाने के लिए। आपकी भाषा कुछ मुझे प्रॉब्लम कर रही है समझने में, पर मैं समझ जा रहा हूँ। मैं स्टेट बहुत सारे राज्य घूमा हूँ तो ये होता है खाबा, मतलब खाने के लिए कौन देता है खाबा खाना? मैं समझ सकता हूँ। मंजूरी लगती नहीं है किसी की, मंजूरी कहाँ जाकर मजदूरी? यहाँ गाँव है तो मजदूरी को देता ही नहीं होगा, यहाँ पे शहर तो है ही नहीं। खेती है ना, ये मजदूरी कहाँ? अच्छा खेती भी नहीं है? थोड़ी बड़ी खेती हो तो वही कर ले। मैं आऊं बंधवाने आऊं मैं? यार बच्चों इतनी हंसी मत उड़ाओ, पता है ठीक है ना मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा बच्चों एक बात बोलूँ तुम सबसे? बच्चों सही में सुन लो मेरी बात, पता है यदि आज पता है मेहनत नहीं की ना पढ़ाई में तो फ्यूचर में क्या होने वाला है भविष्य में पता है ना? तुम्हारा भविष्य नजर आना चाहिए तुम्हें,
क्या करना है, पढ़ाई, और सुनीता को भी थोड़ा समझाना है ना, सब लोग समझा देना, नवीं पास होना है, बाद में दसवीं भी पास होना है। वो दोनों तो इतना शर्मा रही है, उल्टी बैठी हुई, वो तो बात भी नहीं करना चाहती। आंटी अच्छे से बात कर रहे हैं, चाची भी अच्छे से बात कर रहे हैं, ये दीदी भी अच्छे से बात कर रहे हैं। अच्छा मेरे पास जेब में ज्यादा पैसा तो नहीं है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, पर टोटल नहीं, मैं बस समझ सकता हूँ पैसे की मैं कोई वैल्यू नहीं रखता, क्या करूँगा इन नोटों का मैं, पर है ना आई थिंक ये बच्चे तो बात भी नहीं कर रहे मुझसे, पर कुछ चाइनीस वाइनीस कुछ हल्का फुल्का कुछ खाना चाहे तो आप खिला सकते हैं निचले। अरे लो ना, अरे लो लीजिए ना, अरे लीजिए आप लीजिए, मेरे पास जेब में ज्यादा होते मैं 2-3 हजार जितने होते उतने देता, मेरे पास पैसे ही नहीं, जेब पूरी खाली हो गई। तो इन्हें ना एक अच्छे सी मिठाई खिलाना और बोलना कि पढ़ लो पढ़ लो। क्यों नहीं पढ़ती है सुनीता? भैया है ना, ठीक है मैं भैया हूँ, ठीक है, क्या दिक्कत है पढ़ने में? कुछ नहीं, मजा नहीं आता पढ़ने में? आता है, आता है। तो पढ़ते क्यों नहीं हो? नीचे बैठूं मैं? पढ़ जा, कति सीख लो। सामने इधर, सामने देखो मुझे, सामने देखो, इधर देखो, हम जैसे आप ये काम कर रहे हैं ना, हमारा ही काम है, जैसे आप काम को इज्जत देते हैं ना, हम भी अपने काम को इज्जत देते हैं, अपने काम को हमेशा इज्जत देना चाहिए, कभी भी शर्माना चाहिए। देखो मैं वीडियो में अच्छा दिख रहा है, बताओ अच्छा दिख रहा हूँ ना, ऐसे तुम भी दिख रहे हो। अच्छा मुझे बताओ पढ़ाई में क्या दिक्कत है, पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है? आप मम्मी हो क्या? क्या दिक्कत है पढ़ने में? नौवीं में कब फेल हुई थी? पिछले साल हुई थी ना, तो अभी तो बच्चे हैं, कितनी उम्र है, 17-18-16? 15-16 साल है। यदि आपने आज नहीं पढ़ाया तो आप भी समझ रहे ना, आप जो वही फ्यूचर में। नहीं अब हम तो बोल रहे हैं कि जाओ तुम पढ़ने के लिए। अच्छा अब भी जाते नहीं है तो क्या करें, बताओ पैसे अपन लगा रहे हैं। सबको हंसी मजाक सूझ रहा है मुझे, मैं क्या बोलूं यार, चलो हंस रहे हैं वो तो अच्छी बात है, मुझे वो अच्छा लगा कि हमेशा चेहरे पे स्माइल है, हंसते रहो, हमेशा छोटी सी लाइफ है, हम छोटी सी लाइफ मानते हैं इसलिए घूमते रहते हैं, हम ये मंदिर देखने आए थे, कुंड देखने आए थे, और आप सब कौन देश के भाई साहब? कौन देश से? अरे कौन देश से नहीं हूँ यार, मैं हिंदुस्तान से ही हूँ, इंडिया से ही हूँ, जबलपुर से हूँ। जबलपुर नाम सुना है? मैं जबलपुर से हूँ। आंटी कौन देश से नहीं बोलते, कौन शहर से बोलते हैं? हमसे कुछ भी हेल्प चाहिए, लकड़ियाँ उठाने में, रस्सी बंधवाने में, कुछ भी मदद नहीं चाहिए दीदी? श्योर? एंड बच्चों, एंड सेवंथ नाम क्या है? आरती। नाम, नाम तो बड़ा प्यारा है, पढ़ना तो चाहिए, अब तो सीधी सी बात, नाम अच्छा है तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाय। अरे बाय तो बोल दो, बाय। अच्छा बच्चे हैं अभी, वो कम उम्र शर्माते हैं, चलो आप सबको तो इजाजत दीजिए आप, तो हम निकलते हैं। बाय बाय बाय, सी यू बाय, जल्दी मिलेंगे। बाय बाय चाची, बाय छोड़ू। अब ये सीढ़ियाँ कितनी है, मुझे ये काउंट, जो सीढ़ियाँ मैं पहले काउंट नहीं कर पाया था वो सीढ़ियाँ मैं अभी काउंट कर लेता हूँ। कितनी सीढ़ियाँ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 सीढ़ियाँ हो गई, 8, 9, 8, 9, 2 मिनट, 10, 11, 12। अपन तीनों है ना काउंट करते हैं, किसका अलग आता है किसका मैच होता है, जो मैच होगा ना वो मान लेंगे अपन, ठीक है? तो मैं कुछ अच्छा मोमेंट होता है कैप्चर करता हूँ, ठीक है? फाइनली है ना, मैं और हम तरह नीचे आ चुके हैं। टोटल सीढ़ियाँ जो हम 800-900 हज़ार बता रहे थे, वो 800-900 हज़ार नहीं है, पर वो 470 सीढ़ियाँ जो हमने गिनी है तीनों ने, 470। हम तीनों का सेम मैच हुआ है 470, और एक आध दो ऊपर नीचे होती है तो समझ लेना कि हम तीनों की गलतियाँ है उसमें। 470 सीढ़ियाँ है, और 470 सीढ़ियाँ मतलब इतनी हॉन्टेड है ना, इतनी वॉन्टेड है ना, कि मतलब क्या बनाने वाले ने इस तरीके से बनाया कि इंसान थक जाए। उतरते टाइम तो हम कितने मिनट में, 2-3 मिनट में उतर गए, पर चढ़ते टाइम हमने 40-45 मिनट लिया था। आप सब बहुत मेहनत करते हो यार, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब
मतलब है ना इतनी लकड़ियाँ उठा के पहले तो पैदल जाना 450-470 सीढ़ियाँ है ठीक है। अपन दोनों पहली बार आए हैं, हमेशा आते हैं, आते हैं ना हमेशा, तो ये सीढ़ियाँ जानते हैं कितनी है? 470 गिनी है अभी, काउंट की है हमने, 470 कैलकुलेट हमने गिनी है, एक सीढ़ी नहीं छोड़ी, कन्फर्म मतलब एक एटीट्यूड है कि कन्फर्म। हाँ तो है ना पहले तो 470 सीढ़ियाँ चढ़ना, उसके बाद और पहाड़ है एक ऊपर वो चढ़ना और पहाड़ उतरना लकड़ियों के साथ, तो बाद में जाना। हेड्स ऑफ अभी भी वो ऊपर बांध ही रहे, मैं उनसे मिल के आया हूँ, सबसे बातचीत करके आया हूँ। अच्छा आपको सिलेंडर फ्री नहीं मिलते हैं क्या? अच्छा कि कम पड़ जाता है वो, हाथ सेकोगे तो गैस वेस्ट हो जाएगी या जल्दी। वो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर जो फ्री में मिलता है या पैसे में मिलता है? पैसा लगता है। कितना पैसा लगता है? आठ सौ नौ सौ रुपए लेते हैं आपसे। सुन रहे हो, उज्ज्वला योजना के जो बोर्ड लगे हैं पेट्रोल पंपों पे वो बेफालतू, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। चाची आपको पता है जो पेट्रोल पंप होते हैं ना, या बाजार में जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं नेताओं के, थैंक यू मोदी जी, ये सब धन्यवाद मोदी जी, वहाँ लिखा होता है गरीबों को मुफ्त 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 मुफ्त। वो आप भरवाते हो वो वाली, वो तो बहुत महंगी पड़ती है, मुझे खुद पता आप तो बड़े भी हो, वो बच्चे हैं यार बाप के साथ वाले, बच्ची आए छोटी छोटी, वो मैंने सबसे अच्छा उन्हें चढ़ना मतलब मदद करने आ जाते हैं आपको, वो समझते हैं ना दर्द आपका कि आप सब बड़े मतलब। चलिए आपके साथ कभी ना कभी भविष्य में अच्छा होगा, उम्मीद रखिए। और यह चलिए गरीबों के तक पैसा ही नहीं पहुंच पाता ना, बहुत मेहनत करते हो यार अब। चलिए चाची इजाजत इज्जत दीजिए, आप सबसे मिलके अच्छा लगा मुझे, बाय। कल कुछ है क्या यहाँ पे? अच्छा न्यू ईयर इसलिए, नया साल इसलिए, अच्छा इसलिए भीड़ आएगी अब। अच्छा चलिए इजाज़त, मिलते हैं। हाँ मैं जबलपुर से हूँ चाची, हाँ घूमने निकले हैं पन्ना मैयर सब कुछ, गाड़ी है बाइक है ब्रम ब्रम। थैंक यू, धन्यवाद चाची। यार ओम मोर पता है, ओम मोर यार सही बता रहा हूँ यार, महीने की यदि सच बता रहा हूँ, यदि किसी ऐप से या किसी प्लेटफॉर्म से 50-60-80 हज़ार की इनकम होती ना, तो अकाउंट से 40-30-40 हज़ार निकाल के मैं दे देता भाई, बाद में क्या यूज होता है ये कैसे यूज करते हैं वो मुझे सही में पता नहीं, पर है ना इनके है ना 10 महीने के सिलेंडर तो फ्री हो जाते, 10 महीने तक 20 सिलेंडर, 2 सिलेंडर महीने में चल जाते हैं, 3 सिलेंडर यार 30 सिलेंडर आ जाते 40-50 हज़ार में दे देता भाई। पहाड़ में गए ऐसे पैसे वैसे यार, जेब में उतने ही थे पर 200 पैसे और पड़े हैं क्या जेब में? अच्छा तूने दिए ना ये तो मौर्य के वॉलेट में पड़े हुए थे कुछ पैसे, जो हमें अभी यहाँ कुछ भी तेल वेल डलवाना हुआ तो उसमें यूज होगा। और ये मुझे पता भी नहीं था कि मौर्य की जेब में कुछ पैसे पड़े हैं। शायद मैं वो भी दे देता मैं अभी दोस्तों को फ़ोन लगा के इंतज़ाम कर लूँगा कुछ पैसों का, पर